आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक टॉस और मैच का 100% विनिंग प्रिडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश और आज हम बात करेंगे आईपीएल के 14वें मैच की, जो खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। हम आपको बताएंगे क्या रहेगी आज की प्लेइंग 11, कौन जीतेगा इस मैच को, क्या होगी ग्राउंड रिपोर्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये हमारे आईपीएल प्रिडिक्शन की आखिरी मैच हो, क्योंकि जिस तरह से मैं आप लोगों को 100% करेक्ट विनिंग टीम और टॉस दे रहा हूँ, उस प्रकार से आपका सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। आज मैंने वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दे रखा है। अगर आपका सपोर्ट देखने को मिलता है तभी आगे आईपीएल प्रिडिक्शन की वीडियो आएंगी। अब बात करते हैं आज के मैच की। अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ 3 मैचों में ही जीत हासिल हुई है। सबसे पहले बात करेंगे हम चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की, तो हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शेन वाटसन और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद होंगे मुरली विजय या ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 3 पर देखने को मिलेंगे फॉफ डू प्लेसिस और नंबर 4 पर अंबाइती राइडू के फिट होने के बाद उन्हें देखा जा सकेगा। नंबर 5 पर हमें खेलते हुए दिख सकते हैं टीम के कप्तान MS धोनी। अब बात करें अगर मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे सैम करन, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव या शार्दुल ठाकुर। अब बात करें अगर बॉलिंग लाइनअप की, तो हमें देखने को मिलेंगे दीपक चहर, पीयूष चावला, जॉस हेजलवुड या इमरान ताहिर में से कोई एक। क्या चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत पाएगी? इससे पहले हम जानेंगे क्या रहेगी सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11, तो हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे धुआंधार ओपनर्स डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्ट्रो, जिनका चलना इस मैच में काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज मनीष पांडे और नंबर 4 पर केन विलियमसन, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले मैच में। नंबर 5 पर विजय शंकर के फिट होने के बाद प्रियम गर्ग की जगह विजय शंकर की जगह बनती है। नंबर 6 पर खेलते हुए दिखेंगे अब्दुल समद, जबकि मिडल ऑर्डर ऑलराउंडर में अभिषेक शर्मा और राशिद खान खेलते हुए दिखेंगे। अब बात करें अगर बॉलिंग लाइनअप की, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है, जिसमें मौजूद हैं भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और खलील अहमद। अब बात करें अगर ग्राउंड रिपोर्ट की, तो ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान में अभी तक काफ़ी बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा जीतती है। अभी तक बात की हमने टीम न्यूज़ की, प्लेइंग 11 की और ग्राउंड रिपोर्ट की, अब वक्त है हमारी प्रिडिक्शन का। तो हमारा आज का प्रिडिक्शन ये कहता है कि आज का मैच 100% चेन्नई सुपर किंग्स ही जीतेगी। अगर कोई अपडेट आती है तो आपको 6 से 6:30 के बीच हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए। इसी तरह 100% प्रिडिक्शन पाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञानकोश।